नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं सेवई कस्टर्ड खीर बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है। ये मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आज बनाऊंगी। जब भी आपका दिल मीठा खाने का करे, ये आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। ये गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। थोड़ी देर तक बाहर ही रखूँगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा एक घंटे के लिए। उसके बाद इसमें गार्निशिंग करूँगी फ्रूट से, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ जो भी मौसमी फल आते हैं उसको, उसे डाल के आप खा सकते हैं। देखिए, हो गया। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसको थोड़ा अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज में डालूँगी एक घंटे के लिए। ये देखिए, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है ठंडा करके, दो घंटे हो गए हैं। ये देखिए इसकी, तो देखिए ये कैसा बना है, बहुत ही अच्छा। अब इसको मैं एक बाउल लेती हूँ, इसमें थोड़ी फ्रूट डालूँगी, फ्रेश फ्रूट। ये देखिए, थोड़ा आम का टुकड़ा ऐसे ये डाल दिया हमने, थोड़ा आम ले लिया, थोड़ा सा ये अनार का दाना है, जो भी लेना चाहते हैं फ्रेश फ्रूट में जो सीजनली आता है वो ले सकते हैं आप। थोड़ा सा मैंने केला भी डाल दिया काट के, केला भी डाल सकते हैं आप इसमें। इसके बाद छोटे छोटे पीस में नारियल डाल देती हूँ, ये भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में देखिए मिला के और इसमें डालती हूँ। ये आप कभी भी बना सकते हैं,
ये एक तरह से मिठाई जैसा फीलिंग देगा आपको। थोड़ा ड्राई फ्रूट है, बादाम है, किशमिश है और काजू है, इसे ऐसे करके डाल दो ऊपर। थोड़ा टूटी फ्रूटी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है।